चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत ज्ञान बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य इन 6 चीजों को अपना रिश्तेदार मानता है तो उसको मोक्ष मिलना तय है और सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, वो कौन सी 6 चीजें हैं जिनको हमें रिश्तेदार मानना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस ज्ञान को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को भारत का महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ का दर्जा दिया गया है। उन्होंने अपने बल और ज्ञान से मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपने नीति ग्रंथ के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। चाणक्य की नीतियों को महान शासकों ने भी अपनाया है। इन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्या का समाधान करके सफल बन सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में कहा है कि जो मनुष्य इन 6 को अपना रिश्तेदार मानता है उसे मोक्ष मिलना तय है और वो जिंदगी में सफल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 6 बातों के बारे में बताएंगे जिनको अपना रिश्तेदार ही मानना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में कहा है कि सत्य बोलने वाला हमेशा विजय होता है। जो व्यक्ति सत्य को माता बना लेता है उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है और सदा खुश रहता है। मनुष्य के अवगुणों को दूर करने का सबसे उपयुक्त साधन सत्य है। सत्य ऐसी दवा है जो व्यक्ति में कभी रोग नहीं लगने देती। माता की तरह सत्य मनुष्य की हमेशा रक्षा करता है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान को हमेशा पिता के समान मानना चाहिए। पैसा आता जाता रहता है लेकिन ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। ज्ञान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को ज्ञान देने में। मनुष्य तभी सफल बनेगा जब उसके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के मनुष्य बिना आत्मा के शरीर जैसा होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करते धर्म का संचय करता है उसका जन्म सफल होता है। धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को हमेशा भाई की तरह मानना चाहिए जिससे वो अपने हर धर्म को हर कर्म को पूरा करता जाए। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में पड़ ही नहीं सकता और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि वो धर्म के मार्ग पर चलें और धन प्राप्त करते हुए उसका उपभोग करें। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। दया को मित्र के समान मानना चाहिए जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार मित्र की हर परिस्थिति में मदद की जाती है उसी प्रकार दया ही मनुष्य को सफल बनाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को हमेशा शांत और संतोष स्वभाव का होना चाहिए। जो व्यक्ति शांत रहता है उसके जीवन में सफलता के कई मार्ग खुलते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है और जो व्यक्ति शांति को पत्नी की तरह अच्छे से रखता है उसके जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। लास्ट में 6 बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी की गलती के लिए क्षमा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। यानी कि अगर आप किसी की गलती को माफ कर देते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। हमारी संस्कृति हमें क्षमा करने की शिक्षा देती है।
जो व्यक्ति क्षमा को संतान के समान मानता है उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 6 चीजों को अपना रिश्तेदार ही मानना चाहिए। अगर आपको ये 6 बातें अच्छी लगी हों और पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस ज्ञान को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।